इस वक्त हम कार्यक्रम के उस हिस्से पर मौजूद हैं जहां पर पूरे सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पे थी, उन व्यवस्थाओं में क्या कुछ लापरवाहियां थी जिसने कई लोगों की जिंदगी लील ली। ये देखिए, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा गड्ढा नुमा ये जगह है जहां पर इस तरह के जल जमाव रहते हैं, और यहाँ पे मिट्टी भी काफी ज्यादा चिकनाहट है मिट्टी में, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा फिसलन की भी स्थिति है। और ऐसे में यहाँ पे जब वो तमाम जो अनुयायी हैं वो यहाँ से निकल रहे थे, तो उस दौरान भी जो है यहाँ पर हालात जो है बेकाबू होने में एक बड़ी उनकी भी भूमिका रही, इस तरह की चिकनी मिट्टी की। मैं आपको तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगा अंदर ले जा करके, कि देखिए ये आगे बड़ा एक मंच देख रहे हैं, ये मेन गेट है मंच के सामने, और इस मेन गेट के तहत जो है अंदर एंट्री होती है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, पूरा जो मंच यहां पे बनाया गया था, उस मंच में सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट का गेट था, जिस गेट से मैं आपको अंदर की तरफ लेकर के जा रहा हूं। यही एकमात्र गेट है जिसकी वजह से इसी गेट से लोगों का आना और जाना हो रहा था। अब सोचिए कि जब मौके पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहां मौजूद होंगे तो हालात कितनी ज्यादा बेकाबू हुई होगी एक ही गेट से निकलने में, जिसकी कुछ मैं आपको तस्वीर यहां दिखा सकता हूं कि देखिए किस तरीके से लोगों के यहां पर चप्पल बिखरे हैं, पानी के बॉटल बिखरे हैं, यानी कि एकमात्र यह दरवाजा था और यहीं से लोग निकल रहे थे और यहीं से लोग अंदर एंट्री ले रहे थे, जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा जो है एक वो उमस की स्थिति हो गई थी, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है उनकी तबीयत बिगड़ने लगे थे। इस पूरे मंच स्थल को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर थी, और चारों तरफ से इसका घेराव था, और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही दरवाजा था। और इस दरवाजे को आप देखिए कि इस दरवाजे के पीछे अगर 2.5 लाख लोगों की भीड़ है, और अगर वो भीड़ अचानक से किसी एक गाड़ी के पीछे, एक बाबा के पीछे दौड़े, तो वो भीड़ कितनी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर दबाव होगा लोगों का, और किस तरीके से भयावह धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई पड़ रहेगी, और भीड़ किस तरीके से बेकाबू होकर के आगे असंतुलित होकर के गिर सकती है। और यही वजह थी कि जब भीड़ यहां से जब निकली गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए, तब उस दौरान जो है जो यहां पे सेवादार थे उन्होंने डंडे लगा करके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की, भक्तों की, उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि वो गाड़ी के पीछे ना जा सके। लेकिन जिस तरीके से सकरी से गेट के पीछे 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ के धक्का के बाद सेवादार को हटना पड़ा, और उस दौरान जो है सेवादारों ने उनके ऊपर पानी के बौछार भी किए थे, जिसके बाद जब वो भीड़ दूसरी तरफ बढ़ी तो उसके बाद इतनी तेज पीछे से धक्का उन्हें मिला भीड़ को, कि उसके बाद आगे के जो लोग थे वो सीधे सड़क के दूसरी तरफ, जो 3 फीट गहरा खेत है, दलदल नुमा जो कीचड़ नुमा खेत है, उसमें जा गिरे, और उनके ऊपर कई लोग जाकर के गिरे, और वो कई लेयर के वहां पे जो है लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए थे, जिसके बाद से लोगों को वहां पे निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन मैं आपको लेकर के चल रहा हूं मंच की तरफ से। देखिए ये जो मंच है, ये पूरा मंच था और चारों तरफ से इसके दरवाजे बंद थे, रास्ते बंद थे, सिर्फ एक दरवाजा फ्रंट की तरफ रखा गया था, जिस दरवाजे को अभी हमने आपको दिखाया है, और हम आपको लेकर के चल रहे हैं मंच की तरफ की। देखिए उस मंच से जब था, उस मंच के जरिए रास्ते से आपको दिखा रहा हूं, लेके जा रहा हूं मैं आपको, कि देखिए ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं, उस मंच के बीचों बीच जो रास्ते हैं, उन रास्तों से बाबा की गाड़ी निकली, नारायण साकार हरि की गाड़ी निकली, और उनके पीछे जब गाड़ियां उनकी यहां से पूरे तरीके से गुजरी, जब उनका काफिला यहां से निकला, तो उस दौरान जो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो लोग भी यहाँ से उनके पीछे भागने लगे। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ देखिए कि ये कितना गहरा है, कि यहाँ पे पानी पूरा जमा हुआ है, जल जमाव है, लेकिन इसी रास्ते से जब वो निकले यहाँ से, तो उस दौरान उनके पीछे की भीड़ जो है वो लगातार उन्हें उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी, उनके गाड़ियों के धूल, उनके जहां पे उनके गाड़ियों के टायर की थी, पड़े थे चक्के का जो था, उसके धूल, उनके चरणों के धूल उनको लेने के लिए लोग कूद पड़े, और इस वजह से जो हादसा हुआ है, हादसे से पहले यहां पर तमाम सेवादार मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही नारायण साकार हरि की भी गाड़ी यहां पे काफी रफ्तार से निकलती है, जो तमाम जो सेवादार थे वो बचाव करने के बजाय यहां से वो सभी लोग यहां से गायब हो गए। और गायब का आलम ये रहा कि आज जब हम जो मुख्य जो
इसके जो आरोपी जिनके जो नामजद हैं एफआईआर में, जब हम उनके घर पहुंचे देव प्रकाश मधुकर के घर, तो हमें वहां जानकारी मिली कि घटना के बाद से वो अपने परिवार के साथ वहां से गायब हैं और घर पे हमने दिखाया कि घर पे ताला लगा हुआ है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं कि वो मंच है और यहां पे चारों तरफ जो है लोग बैठे थे। देख सकते हैं कि जगह भी काफी छोटी थी, क्योंकि जिस तरीके से 70,000 लोगों 80,000 लोगों के लिए यहां पर परमिशन लिया गया था यहां पे लोगों के श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने के लिए, तो उस हिसाब से 70,000 लोगों के लिए भी ये जगह कम मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह की उमस भरी गर्मी पड़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर ना तो कूलर की व्यवस्था थी ना पंखे की व्यवस्था थी। और अगर उस दौरान 2.5 लाख के आसपास अगर लोग यहाँ अगर इकट्ठे होते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहेगा। और शायद यही वजह है कि उस भयावह मंजर किस तरीके से लोगों ने देखा, जहाँ 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे हादसे का गुनहगार कौन है, इसको लेकर के तमाम अधिकारी जो हैं, प्रशासन जो है मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो मुख्य आयोजनकर्ता हैं, जो मंच पे नारायण साकार हरि थे, वो इस वक्त सब अभी जो है वो पुलिस की पहुंच से दूर चल रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।